हेलो माय लवली बेकर्स, वेलकम टू द चारुस केक बेक। कैसे हो गाइस आप सब? तो आज हम एक रसमलाई फ्लेवर का केक बना रहे हैं। बहुत ही सुंदर केक है, कलर कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट एंड पर्पल है। तो ज़रूर केक की वीडियो को पूरा देखे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो एज़ यूजुअल केक के लेयर्स को थ्री पार्ट में हमने कट कर दिया है और फिर हम इसको असेंबल करना स्टार्ट करेंगे। तो असेंबल करने का प्रोसेस सेम ही है गाइस, पहले सोकिंग, फिर क्रीम्स को अच्छे से पैलेट नाइफ की हेल्प से स्मज, और फिर क्रश डालेंगे रसमलाई वाला, क्योंकि ये रसमलाई फ्लेवर है। और अगर आपका कोई और फ्लेवर का केक हो तो उस पर्टिकुलर फ्लेवर के केक के क्रश को आप ज़रूर डालें। क्रश से ना केक का टेस्ट इतना एनहांस हो जाएगा ना कि आपको बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। सेकेंड लेयर को असेंबल करें सोकिंग, और सेम ही प्रोसेस क्रीम को स्मच करने का और उसको क्रश डाल के कंप्लीट कर देने का लेयर असेंबलिंग को। फिर हम टॉप पे फाइनल लेयर को रखेंगे। तो अच्छे से क्रीम को असेंबल करने के बाद, स्मच करने के बाद, फिर हम इसके ऊपर क्रश डाल के फाइनल लेयर को रख के फाइनल क्रम कोटिंग कर देंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्रम कोटिंग बोलते हैं, असेंबल करने के प्रोसेस को। तो जैसे ही आपका असेंबल हो जाए, हम फाइनल आइसिंग शुरू कर देंगे और उससे पहले केक को 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे ही टॉप का लेयर रखा है, और क्रश हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा डाले तो उससे क्या है, फ्लेवर बहुत ही उभर के आता है। तो फिर टॉप पे मैंने नेक्स्ट क्रम कोटिंग करना स्टार्ट कर दिया। इसी प्रोसेस को जहाँ यहाँ तक कंप्लीट कर रहे हैं उसको क्रम कोटिंग बोलते हैं। तो उसके बाद जो केक की डिज़ाइन थी उसमें पर्पल और वाइट का कॉम्बो था। नीचे बॉर्डर की तरफ पर्पल क्रीम थी और टॉप पे फिर से वाइट, और वाइट के ऊपर कॉर्नर कॉर्नर पे पर्पल क्रीम थी। तो हमने उसी तरीके से इसको असेंबल किया, पर्पल क्रीम को बनाया, वाइट क्रीम में ही पर्पल कलर को डाला है मैंने, और जेल कलर यूज़ करती हूँ। आप भी जेल कलर यूज़ करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और क्रीम इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होती। तो फिर नीचे बॉर्डर बना दिए और टॉप में वाइट कलर की क्रीम से ही इसको पूरे को हम कवर करेंगे। तो इस तरीके से करने से ना गाइस, आपका केक का फाइनल आइसिंग बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। और टॉप में पहले मैं पूरे को वाइट से कवर करूंगी और फिर कॉर्नर पे वह पर्पल क्रीम लगाऊंगी। तो इस तरीके से हम इसकी फाइनल आइसिंग कर देंगे। तो पर्पल और वाइट का ही कॉम्बो ही इसका फाइनल लुक में था। तो ऐसे करके हमने इसकी फाइनल आइसिंग कर दी है। तो गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस कर दे, वीडियो के पूरे नोटिफिकेशन देखे और इनको चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पक्का करें। तो पर्पल क्रीम को हमने N1 नोजल वाले पाइपिंग बैग में भर के पूरे में रोसेट बनाने स्टार्ट कर दिए। तो हल्की हल्की गैप छोड़ के हम पहले पूरे को रोसेट से कवर करेंगे। तो इस तरीके से करने में गैप इक्वल हो, अगर आपसे इक्वल गैप नहीं बन रहा है ना गाइस, तो आप मार्किंग कर दे पहले। तो मार्किंग करके करने से क्या आपके लिए इजी हो जाएगा, तो जो सिमेट्री है ना वो मेंटेन होगी। सिमेट्री मेंटेन करने से क्या है ना गाइस, लुक बहुत सुंदर आता है, क्लम्सी नहीं लगता, डिज़ाइन नीट लगती है। तो हाफ द वे पहुँच के ही देखो कितना सुंदर लग रहा है। फिर मैंने वाइट क्रीम को पाइपिंग बैग में भरा और स्टार नोजल डाला है, और पूरे जो गैप है रोसेट के बीच में उसको वाइट कलर की क्रीम से हम भर देंगे और सर्कल सर्कल बनाते हुए जाएंगे इसी तरीके से। तो फिर नेक्स्ट हम इसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो वाइट से पूरे को भरने के बाद नीचे हम बॉर्डर बनाएंगे, और बॉर्डर हमारी पर्पल कलर की क्रीम से बनी हुई थी और वो जो फ्रिल वाली डिज़ाइन थी वो थी, रेगुलर बॉर्डर नहीं थी, नॉर्मल सी। तो उसके लिए मैंने देखो लीफ नोजल लिया है और इस तरीके से इसको जिगजैग जिगजैग करते हुए थोड़ा हल्का सा आगे पीछे हाथ शेक करते हुए हम पूरे को ही इसी तरीके से कवर करेंगे। तो आगे से अगर टूट जाए तो कोई बात नहीं है, क्लीन करके फिर से वहीं से स्टार्ट करें, क्लम्जी नहीं लगना चाहिए, बस जहाँ टूट गया है वहाँ से। तो इसीलिए मैंने ये एडिटिंग में हटाया नहीं, कि आप भी देखें कि अगर इस तरीके से टूट जाए तो किस तरीके से कंटिन्यू करने का है। तो नीचे बॉर्डर बन गया है, फिर हम जो भी पर्पल क्रीम होगी
जो वरने वाइट रोज़ बीच में स्टार्स जो गैप में फिल किए थे पर्पल रोज सेट के बीच में, उनके ऊपर एक हल्का हल्का पर्पल फ्लावर डालेंगे। तो इस तरीके से बॉर्डर हमने कंप्लीट कर दी है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था गाइस। एकदम क्लासिक केक जो होते हैं ना, वैसा डिज़ाइन बन के आया था, देखिए गाइस, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। जब तो अभी तो इसकी डिटेलिंग बाकी है, तो जहाँ पे भी है बीच में वाइट का गैप, उसके ऊपर हम पर्पल एक ही फ्लावर रखेंगे, एक ही छोटा सा। तो ये 3D टाइप का लगेगा क्योंकि नीचे एक बेस है और ये एक टॉप पे उभर के आ रहा है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा गैप ज़्यादा था तो दो मैंने रखे हैं। फिर साइड में भी इसी तरीके के रोसेट बने हुए थे, क्योंकि ये पर्टिकुलर कस्टमाइज डिज़ाइन है गाइस, जो केक का डिज़ाइन हमको भेजा था। और दोनों पर्पल्स के बीच में जो वाइट पैटर्न है ना, उधर हमको रोसेट बनाने का है। तो देखो गाइस, पूरे में वो बन गया। अब हम टॉप में एक बर्थडे का टैग लगाएंगे, गोल्डन बॉल्स स्प्रिंकल्स हमको जो डालने के हैं वो डालेंगे। तो पहले हमने सेंटर में बर्थडे का टैग लगा दिया है, अब गोल्डन बॉल्स को हम रोसेट्स के ऊपर, साइड के रोसेट्स के ऊपर, और टैग ना बड़े ध्यान से लगाए कि सेंटर में ही आए, और इधर इधर आके फिर उठा के आप लगाने जाओगे ना तो पूरा डिज़ाइन आपका ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने पूरे रोसेट के ऊपर गोल्डन बॉल्स को रख दिया है, और फिर साइड में भी जो रोसेट बनाए हैं उधर भी हम इसी तरीके से गोल्डन बॉल्स को रख देंगे। और ये हमारे केक का फाइनल लुक है गाइस। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। आप अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हल्का कस्टमाइज या छोटी मोटी चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से सब पे गोल्डन बॉल्स लग चुके हैं, और फिर टॉप पे भी मैं छोटे छोटे स्प्रिंकल्स भी डालने का सोच रही हूँ, तो वो भी डाल ही दूँगी मैं। तो ये केक का फाइनल लुक था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और किस किस का ये पर्पल कलर फेवरेट है, कमेंट बॉक्स को पर्पल हार्ट से भर दे, और ज़रूर कमेंट करें आप क्या देखना चाहते हैं, कैसे वीडियोस और पसंद करेंगे, तो वो पूरा का पूरा बताएं हमको कमेंट सेक्शन में। और वीडियो से रिलेटेड भी अगर कुछ है कि ये प्रॉब्लम है, वॉइस ओवर में प्रॉब्लम है, या डिज़ाइंस क्लीन नहीं दिख रहा है वीडियो में, तो वो भी डिटेल्स दे, तो हम उस पर इम्प्रोवाइज़ करेंगे, क्योंकि देखने वाला ही बता सकता है ना कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो ज़रूर बताइए केक का फाइनल लुक था। लुक पसंद आया तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी केक डिज़ाइन है, ये इसका फाइनल लुक है, बहुत ही गजब का लग रहा था। तो गाइस लाइक शेयर एंड कॉमेंट करें, कॉमेंट कीप शावरिंग योर लव ऑन चारूस केक बेक, हैप्पी बेकिंग गाइस, ज़रूर देखें वीडियोस को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।